10 क्वेश्चंस पर। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट है जिस पर कुछ क्वेश्चंस हैं और आपके सिलेबस से हैं, ठीक है। तो उनको आप मेरे साथ साथ जो है प्रैक्टिस कीजिए और जो है करने की भी कोशिश कीजिए, नहीं तो आप उनको याद कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा जो है फायदा पहुंचाने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो जैसे कि हमारी टैगलाइन है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, सफलता के लिए प्रतिभागी अभ्यर्थी को यह जानना आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, ये कथन किसका? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चार ऑप्शन आपके सामने हैं और आप भी इस वीडियो में उतने ही हिस्सेदार हैं जितना मैं हूँ, ठीक है। तो डीपीएसपी के ऊपर है आपका ये, ठीक है। डीपीएसपी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टेटमेंट है, बी.आर. अंबेडकर का है, के.टी. शाह का है, राजेंद्र प्रसाद का है, के.एम. मुंशी का है। तो जल्दी से आप मुझे बताओ उसका जवाब, काफी वक्त मिल गया है, इतना ही वक्त आपके पास होता है और मैं अब इसका जवाब आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है आपका के.टी. शाह। के.टी. शाह जवाब है, आप इसको पक्का याद कर लो। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को, ये हिंदी में हमने देने की कोशिश की है, काफी स्टूडेंट हमसे कह रहे थे कि सर हिंदी में भी दीजिए, तो हिंदी इंग्लिश से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, पेपर आपका दोनों मीडियम में आएगा, आपको नॉलेज होनी चाहिए, बात मेरी समझ रहे होगे आप। तो किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी, ठीक है। तो चुनाव को अवैध घोषित किए जाने से पहले जो उसने कार्य किए हैं तो उसकी संवैधानिकता क्या होगी, ये सवाल पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कृत्य विधि अविधि मान्य होंगे, यह कृत्य विधि मान्य होंगे, उन कृत्यों को पुष्टि उसके उत्तराधिकारी द्वारा की जानी आवश्यक है, और डी आपका नन ऑफ दी अबो। चार ऑप्शन है और सोचकर आप मुझे जवाब दे सकते हो और इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस सारे। तो इसका बी जवाब है आपका, यह कृत्य विधि मान्य होंगे, तो जो है इसका जवाब आपका बी रहेगा, इसको आप याद कर लो। आगे बढ़ते हैं क्योंकि प्रैक्टिस सेट है, आप भी हिस्सेदार हो इसमें, आप जवाब दो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर आप इनको याद करते जाओ। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो इम्पीचमेंट होता है उसका उसका आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, आसान सवाल है, ठीक है, आसान है, इम्पोर्टेंट भी है। तो चार ऑप्शन है, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, या नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो इसका जवाब है सी, आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है। आप किसी में भी, चाहे लोकसभा है राज्यसभा है, कहीं पर भी आप उसकी इम्पीचमेंट को शुरू करवा सकते हो। उसके बाद है आपका डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? हाँ, नहीं, कुछ का विवादग्रस्त है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, तो इसका जवाब क्या होना चाहिए ये देख लेते हैं। तो आप भी मुझे इसका जवाब दो, मैं थोड़ा सा टाइम आपको देता हूँ हमेशा सोचने के लिए। तो इसका जवाब बी है, जिनका बी जवाब आया बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी है, आसान आसान सवाल है, आप कर सकते हो, आपको आते भी होंगे जरूर, ऐसा नहीं है कि आपको ना आते हों। आपने पढ़ा होगा कि प्रेसिडेंट, मान लो अगर हम डीपीएसपी की बात करते हैं, सभी को पता होते हैं। और ये सोर्स इसके ऊपर है आपका कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, ठीक है। तो इसका जवाब क्या होना चाहिए, तो अमेरिका है, पूर्व सोवियत संघ है, जापान है, आयरलैंड है। तो चार ऑप्शन है और आप में जवाब देना है क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने हैं। और ये क्वेश्चन सिर्फ इम्पोर्टेंट, मतलब प्रैक्टिस ही नहीं है, ये इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, महत्वपूर्ण है। तो अमेरिका इसका जवाब है, बिल्कुल ये जवाब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मुझे जरूर जरूर दोगे इसका जवाब, ठीक है, मुझे आपने इसका जवाब जरूर देना है और सही जवाब की मैं आपसे उम्मीद करता हूँ क्योंकि बहुत आसान सवाल है। तो इसका जो जवाब होना चाहिए, चार ऑप्शन है, 1 महीना, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह, 3 सप्ताह। तो इसका जवाब है आपका बी, 2 सप्ताह। तो आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, प्रत्येक स्थिति में, मतों के बराबर होने की स्थिति में, उसकी इच्छा पर निर्भर है, कभी भी नहीं करता। तो चार ऑप्शन है, सोच के बताओ क्या जवाब रहेगा।
ये सब आपने पढ़ा है, आपने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स कितनी बार पढ़े हैं। ठीक है, तो जवाब तो देना बनता है आपका, अगर आपने देना भी चाहिए तो। इसका जवाब है मतों के बराबर होने की स्थिति में। ठीक है, बी जवाब है बिल्कुल। सवाल से डरना नहीं है, हम प्रैक्टिस क्वेश्चन या टेस्ट सीरीज जो हम करते हैं, हम टेस्ट सीरीज इसलिए तो करते हैं कि हमने अपने अंदर से भय निकालना है क्वेश्चन को करने का। ये सारे सवाल हमारी टेस्ट सीरीज के ही हैं जो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस के लिए मान लो नोट्स के माध्यम से देते हैं प्रिंटेड फॉर्म में, या मान लो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है। ये सब सवाल हमने वहीं से रखे हैं, उन्हीं में से ही सवाल हैं और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद अगला, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प, हटाने का जो संकल्प है, निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है। देखो पहला वाला उपराष्ट्रपति का था, इस बार आप पहला वाला राष्ट्रपति का था, इस बार आपका वाइस प्रेसिडेंट के लिए। केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, और केवल राज्यसभा में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच कर जवाब देना। आंसर आपने सोच के देना है, क्योंकि हल्का सा भी अगर आपने थोड़ा सा इसको लेकर संशय है तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो कमेंट बॉक्स में करते रहो आप जवाब। ठीक है, तो थोड़ा सा हिस्सा लेना चाहिए, मूक दर्शक ना रहो आप। तो इसका जवाब है आपका राज्यसभा, और बिल्कुल ही आप जो है नहीं कर पा रहे हो, फिर आप याद कर लो, फिर कोई चारा नहीं है। लेकिन गलत ही जवाब दो, लेकिन दो जवाब जरूर देना चाहिए। जो जवाब हम गलत देते हैं, मैं हमेशा यही कहता हूँ, वो हमें हमेशा याद रहता है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे। ठीक है, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी और ज्ञानी जेल सिंह। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, देखिए क्या जवाब होना चाहिए, तो सोच के बताना। देखो अगर आपने वाकई प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की लिस्ट याद की है तो कर जाओगे, और अगर नहीं किया तो नहीं कर पाओगे। अगर नहीं नहीं करी है तो करो। मेरे क्वेश्चंस आपको हमेशा आइडिया देंगे कि आपने किस रास्ते पर अपनी तैयारी को रखना है। या हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो हमेशा आपको आइडिया देगी कि हमने अपनी तैयारी को किस लेवल पर रखना है। ठीक है ना, क्योंकि आप इस बात को जानते हो कि हर एग्जाम में जीएस का पेपर होता है, चपरासी से लेकर आईएएस तक का, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल और नेचर अलग होती है। तो इसका जवाब है आपका डी, ज्ञानी जेल सिंह इसका जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। तो कुछ भी आप पढ़ते हो, क्वेश्चन सोचो कि आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है। तो इसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायणन। ठीक है, तो ये यही नेचर है जो आपके क्वेश्चंस की, मतलब जो आपका पेपर है। ठीक है, तो आपने तैयार रहना है। बताओ क्या जवाब होगा इसका। तो चार ऑप्शन है, काफी वक्त आपको मिल गया है सोचने का, क्योंकि तो सवाल पढ़ते ही हमारे जहन में जवाब आ जाता है अगर हमने पढ़ा है तो। और इसका है आपका डी, के आर नारायणन जवाब है। अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई। ठीक है, तो इसका जो जवाब है आपका देख लेते हैं। इसका जवाब है आपका जो होना चाहिए, तो आप भी सोचो। इसका जवाब है कृष्ण कांत है आपका। कृष्ण कांत की डेथ हुई थी इन चारों में से। आगे देखते हैं, और निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दिया था। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, आपने सभी पढ़ रखी है पॉलिटी, कई बार रिवीजन भी कर रखे हैं। तो लेकिन रिवीजन या पढ़ाई तो तभी पूरी है जब हम सवालों को कर पाए। तो इसलिए आप हमारे जो क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को भी, जो प्रिंटेड फॉर्म में भी दिए हुए हैं या जो टेस्ट कर रहे हैं हमारे, उनको आप बार 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 बनाओ। तो इसका जो जवाब है, तो मेरे ख्याल से आपने, आपको जहन में याद आ भी गया होगा, तो वीवी गिरी थे आपके, बी जवाब है इसका। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। तो ये फैक्चुअल है, आपके फैक्ट्स हैं, और लेकिन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, संभावित है, महत्वपूर्ण है, या जो भी आप कहना चाहो प्रोबेबल है। तो इसका जो जवाब होना चाहिए, इसका जवाब है आपका, तो यह है 20। आसान था, क्या आसान था, आपको आता होगा। मैं आज अब जो मैं सवालों से आपकी बात कर रहा हूँ, आसान है और इम्पोर्टेंट दोनों है। अगला आपका, कि निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है।
सवाल खुद की गहराई समझना, ठीक है। लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है, तो कौन हो सकता है इसका? प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, शासक दल का मुख्य सचेतक, या लोकसभा का अध्यक्ष? तो आपका लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि डी जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपने अपनी जमानत खो देता है तो उसे प्राप्त ना हो सके, अगर उतने वोट उसको नहीं मिले तो उसकी जो जमानत की राशि होती है जब्त कर ली जाती है। तो इसका जवाब देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं चार, कि वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/5, और इनमें से कोई भी नहीं। चार ऑप्शन है, सोचकर आप जवाब दीजिएगा इसका। तो इसका जवाब है आपका, चारों में से कोई ऑप्शन नहीं। तो इम्पोर्टेंट था ये भी। अगला है आपका, संसद शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो सबसे पहले पूछा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जो हमारे देश में भी है, लेकिन सबसे पहले कहाँ पर विकसित हुई ये आपसे सवाल पूछ रखा है। तो ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका बेल्जियम बी जवाब आएगा, आप इसको लर्न कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं इसमें, तो भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता कहाँ किसमें निवास करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितनी भी वीडियोस हमने डाली हुई हैं अलग अलग एग्जाम के नाम पर, उनको आप देखिएगा, जिसमें ज्यादातर हमारी वीडियोस ऐसी हैं जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की। हम हमेशा सवालों की बात करते हैं। अगर हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं या हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं तो वहाँ भी हम सीधे सवालों की ही बात करते हैं, है ना। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो हमारा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसके बेस पर हम आपको उन सवालों के नजदीक लेकर जाएं, ठीक है। तो आपकी मेहनत को कामयाब करने में पूरी हमारी वो रहता है, ठीक है, पूरा एक्सपीरियंस जितना भी रहता है, दिल जान से बताने की कोशिश हमारी रहती है कि आपके लिए चीजों को आसान कर दें। बताइए इसका क्या जवाब होना चाहिए, भारत के संविधान में तथ्यात्मक संप्रभुता? तो इसका जवाब है आपका सी, प्रधानमंत्री। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। राज्य को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? देखो तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, 100 क्वेश्चंस की बात है। तो ये है, तो राज्य को भंग करने का अधिकार किसको? राज्यसभा को। चार ऑप्शन है आपके सामने, सवाल आपने किया होगा पहले, ठीक है ना, आसान सवाल है। तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए और मुझे जवाब बताओ इसमें। तो डी जवाब है आपका, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला आपका, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? देखो अब यहाँ पर क्या, राज्यसभा की सीटों के बारे में सवाल है, तो आपने वो लिस्ट तैयार करनी है कि कौन से स्टेट से कितनी आती है। अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो राज्यसभा से 5 आती है। तो अब आपको यहाँ पर एक हिंट मिला कि हमने जो है ऐसे सवाल करने हैं जिसके अंदर जो है वो बराबर, मतलब सारी सीटों को हमने यहाँ पर करना है यार, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या जवाब होना चाहिए इसका। तो इसका जवाब है आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगर आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीटों की संख्या पता है तभी तो कर पाओगे। तो यहाँ पर भी आप नोट कर लो कि आपने राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा की सीटों की संख्या को लर्न करना है स्टेट वाइज। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? बहुत अच्छा सवाल है, बताओ क्या जवाब होना चाहिए इसका। कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हो, इतना कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक है। तो क्या जवाब रहेगा इसका? ठीक है, हाँ नहीं, यदि वह पूर्ण संसद रहा हो तो। कितनी बार आपने पढ़ा है मनोनीत सदस्यों के बारे में, ठीक है, लेकिन यहाँ आप अगर घबरा गए तो बात करना, ठीक है, ए जवाब है इसका। ए जवाब, ऐसा होता है, हम टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने की बात क्यों करते हैं? हम इसलिए कराते हैं टेस्ट सीरीज कि प्रैक्टिस की बात हम क्यों करते हैं। मान लो मैं ये कहता हूँ, मेरी बात है, कॉमन सी बात मैं बताऊंगा यहाँ पर, कि टीवी में मैच देखकर या क्रिकेट देखकर आज तक किसी ने क्रिकेट खेलना नहीं सीखा, ये बात को समझना, ठीक है, कि आप टीवी पर सिर्फ क्रिकेट देखने से क्रिकेट सीख सकते हो? नहीं, नेवर, जब तक आप मैदान में जाकर प्रैक्टिस ना करो। तो जो हमारी टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम चले हुए हैं, हमारी टेस्ट सीरीज की बड़ी विश्वसनीयता रहती है, जो क्वेश्चन हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। और हमेशा से, जब से हमने चीजें शुरू की हैं इतने वर्षों से, तो हमारे क्वेश्चंस जो है ना बहुत काम आते हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो उसका फायदा आप जरूर जरूर लो, जो पढ़ रहे हो वो तो आप पढ़ते रहो लेकिन फायदा जरूर लो। अगला सवाल है आपका, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है किससे? ये सवाल है आपका,
तो इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ये आपका केंद्रीय गृह मंत्रालय, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, बताओ। ठीक है, सोच कर जवाब देना, सोच कर आपने जवाब देना है। आपके सिलेबस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये नहीं कह सकते सर हमारे सिलेबस का नहीं। ठीक है, तो इसका जवाब है आपका लोकसभा का अध्यक्ष। हल्की सी भी आपने गलती कर दी तो गए, तो बहुत सोच समझ के जवाब देना है आपका। अगला है आपका, भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति में निम्न में से किसके समान है? तो चार ऑप्शन है आपके सामने, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह, इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अध्यक्ष की तरह, रूस के ड्यूमा के अध्यक्ष की तरह, यूएसए के सीनेट के अध्यक्ष की तरह। तो चार ऑप्शन है और इन ऑप्शंस में से आपने सोच के बताना है कि लोकसभा के अध्यक्ष का जो पद है वो किसके समान है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है आपका सोच के बताओ। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है। तो ये आपका इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह। ठीक है, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ये है आपका जवाब। उसके बाद है आपका जो कैग होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को पद मुक्त किया जा सकता है, उसी प्रकार जिस प्रकार राष्ट्रपति को हटाया जाता है, उसी प्रकार जिस प्रकार उसके न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा, और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जवाब तो आप दे ही सकते हो मेरे ख्याल से, सब आसान है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो सिलेबस से बाहर से है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा सीधा सवाल आपसे पूछा जा रहा है और हमारे जो है प्रैक्टिस सेट में से हमने रखा है। तो इसका जवाब है आपका उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, इसका भी जवाब है। इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पर क्या ना, राष्ट्रपति का भी नाम आ गया तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो प्रैक्टिस से, टेस्ट पेपर करने से आप उस चीज से बचोगे। चलिए, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए? बात समझ रहे हो, यानी कि अब यहाँ पर आपने उप प्रधानमंत्री की लिस्ट भी याद करनी है, प्रधानमंत्री की लिस्ट भी याद करनी है। आप हमारे टैग जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं ना उसका आप लिंक समझो। ठीक है, तो यहाँ मैं आपकी इसलिए मदद कर रहा हूँ, और तो आप ये करो, और बाकी तो बेनिफिट पूरा आप लेना चाहते हो तो आप खुद समझदार हो कि किसी प्रोग्राम से अगर हम जुड़ जुड़ जाते हैं तो उसका फायदा होता है, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़े बहुत ही सवाल लेकर आ पाते हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है कि हम यहाँ पर वो सब चीजें कराएं। तो आप देखते भी होंगे कि हफ्ते हफ्ते में एक वीडियो आती है, तो लेकिन आपको दिशा देकर जाएगी हमारी सारी वीडियो। तो ये आपका इसका जो जवाब होना चाहिए, आपको टाइम भी मिल गया बताने का, तो मोरारजी देसाई थे आपके, सी सी जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसके भी जवाब क्या हो सकते हैं। तो इसका है आपका 1991। ठीक है, तो सी जवाब है, याद कर लीजिए। अगला है आपका, संसदीय प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 में कितनी समितियों ने कार्य करना शुरू किया? पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम के ऊपर सवाल है आपका, यानी पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम के ऊपर बात है, और उस वक्त आपकी कितनी थी? चार ऑप्शन है, अगर आपको याद आ रही है तो जरूर जवाब दो, नहीं तो आप इसको लर्न करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 थी, अभी फिलहाल 24 है, दोनों याद कर लेना। अगला देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद किस न्यायालय में वकालत कर सकते हैं? ठीक है, हिंदी इंग्लिश मीडियम का कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्रीलिम्स का पेपर आपका दोनों में आएगा, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इसको देखें, समझें। ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए। तो अगला जो सवाल था इसमें, इसको देख लेते हैं, इसका जो जवाब है आपका, तो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद किस न्यायालय में वकालत कर सकता है? उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, निचली अदालत में, या कहीं भी नहीं, बताओ। बिल्कुल डी जवाब है इसका, कहीं भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लाभ का पद परिभाषित हुआ है, तो लाभ का पद परिभाषित हुआ है, तो चार ऑप्शन है, संविधान द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा, संसद द्वारा। तो चार ऑप्शन है, फटाफट आप मुझे बताओ। ठीक है ना, और मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूंगा, आप इस बात से बेफिक्र रहो, अभी मैं लिंक सेंड करूंगा इसके अंदर, तो आप इसका पीडीएफ भी जो है डाउनलोड कर लेना। तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बी जवाब है इसका। और उसके बाद है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है?
अब आपको एक हिंट और मिला है यहाँ पर, तो अगर समझदार हो तो बात मेरी समझोगे, ठीक है। मेरे जितनी भी टेस्ट पेपर्स आपको मिलते हैं, मेरे अपने जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको भी, तो मेरे क्वेश्चंस आपको एक लिंक देंगे, हिंट देंगे, तो उस चीज को जरूर आप समझो, उसको करने की कोशिश करो, और उसमें और डेप्थ में। अब यहाँ पर आपको ये मिल गया कि अब आपने जितने भी हाई कोर्स हैं उसमें जितने भी न्यायाधीश अभी चल रहे हैं उसका डाटा आपके पास होना चाहिए। एक सवाल पिछली बार आपको ध्यान होगा एससीएस में आया था, किस ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके सबसे ज्यादा हाई कोर्ट है, सवाल आया हुआ था। और स्टूडेंट क्या थे, बॉम्बे में और गुवाहाटी में जो है कंफ्यूज थे कि गुवाहाटी लगाएं कि बॉम्बे लगाएं, लेकिन जवाब उसका गुवाहाटी था, ठीक है। अब यहाँ पर जो जवाब है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप भी कोशिश करो, आप इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हो, दिन रात पढ़ते हो, ठीक है। तो जो है हमने एससीएस में रिजल्ट बहुत कराया है, ठीक है। कोई शायद स्टूडेंट ऐसा होता होगा जो कहीं ना कहीं हमारे लिस्ट से बच जाए, कोई टेस्ट सीरीज में स्टूडेंट जुड़ा होता है, कोई मेंस में होता है, कोई प्रीलिम्स में होता है, कोई क्लास में होता है, कोई ऑफलाइन होता है, कोई ऑनलाइन होता है, कहीं ना कहीं जो है स्टूडेंट हमसे जुड़े होते हैं। तो इसका जवाब जो होना चाहिए, बताओ क्या जवाब हो सकता है इसका, इसका है आपका डी जवाब, ठीक है। इन चारों की बात चल रही है तो औरों का भी पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है, तो वैसे ही सवाल है उसी से निकले, अगर आपको डाटा पता है तो अभी कर पाओगे। तो इसका जवाब भी हम देख लेते हैं, इसका जवाब है आपका इलाहाबाद वाला, ठीक है, यूपी में है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट। चलिए एक और देखते हैं, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, गवर्नर और अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो आसान है, कर ही दोगे आप, सारे ही आसान थे, आपने पढ़े यहाँ, सब आपके सिलेबस के हैं। आप मुझसे ये नहीं कह सकते सर आपने आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन करा रहे हो, आप तो नहीं, इम्पोर्टेंट है, आपके सिलेबस के हैं, ठीक है। तो आपका है सी, इसका जवाब आपका सी है। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, मैं इसको एक बार फिर से रिव्यू करता हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद है आपका, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री का सबसे अधिक कार्यकाल रहा, ठीक है, फैक्चुअल है थोड़ा सा, चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से बताना है, वैसे जो अभी एट प्रेजेंट क्या है, लेकिन चारों पे से सवाल आपने बताना है, इन चारों में से किसका ज्यादा रहा है, तो इसका जवाब है आपका, ये आसान सवाल है, आपको आता होगा। चलिए तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, बाकी ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा, और बाकी हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चली हुई हैं, आपको पता है एससीएस का फॉर्म वैसे ही एक ही साल में आता है, ठीक है ना। तो हो सकता है अगर रेगुलर हो जाए तो एक मौका है, एक अच्छा मौका है सिविल सर्विसेज में जाने का, ठीक है। और तो आप कोशिश करो, ठीक है ना, और हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, जैसा कि हमने पहले भी किया है, तो इतना रिजल्ट हमने कराने की कोशिश की है, फिर आपके साथ हैं प्रीलिम्स में भी मेंस में भी, ठीक है। तो और एक्सपर्ट सपोर्ट की जरूरत होती है, इस बात को आप समझ लेना, ठीक है ना। अगर आप ये सोचते हो कि एक्सपर्ट सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, जो हमारे पास एक्सपीरियंस है उसको, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि मान लो अगर आप यूपीएससी की बुक्स लाकर पढ़ोगे घर पर, क्योंकि किताबें आईएएस की होती हैं, उसको लेकर पढ़ोगे तो किताबें खुद नहीं बोलती हैं, और वो यूपीएससी को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं किताबें, चाहे वो गाइडें हैं मार्केट के अंदर अलग अलग तरीके की। तो लेकिन जो इस एग्जाम में अप्रोच चाहिए वहां पर आपको हमारी जरूरत है, एक सच्चाई है, ठीक है नहीं, कॉमन सेंस की बात। तो बाकी हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, तो किसी ना किसी प्रोग्राम में किसी ना किसी तरीके से जहाँ भी आपको जरूरत है आप जुड़िए, ठीक है ना, क्योंकि जो भी हमारे स्टूडेंट रहते हैं उनको, उनका हम आखिर तक साथ देते हैं, हमेशा पूरी सपोर्ट रहती है, चाहे वो किसी छोटे प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। चलिए तो आज यहीं रुकते हैं, और फिर आपसे मुलाकात होगी जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच।